बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि गर्दन के लिए कोई रेमेडीज बताओ, क्योंकि उनका फेस गोरा दिखता है एंड गर्दन काली दिखती है रोशनी में। तो हाँ, आपको अगर आपकी गर्दन काली दिखती है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड रोशनी में कितना अजीब लगता होगा, फेस गोरा गर्दन काली। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको कुछ 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 नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी, जो आप उनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो घर में, क्योंकि वो मैंने भी ट्राई किया। सारी रेमेडी जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो एकदम इजी है, आपके घर में आराम से मिल जाएगी, उसका कोई टेंशन का बात नहीं है, एंड आराम से उसको आप घर में हर दिन बना के लगा सकते हो। सबसे पहली रेमेडी है बेसन फेस पैक। बस थोड़ा सा बेसन लो, उसमें दूध डालो एंड 5 से 6 ड्रॉप्स लेमन जूस के डालो। अब उसको अपने गर्दन में अच्छे से लगा लो, एंड लगा के छोड़ना नहीं है, थोड़ा 1-2 सेकंड तक मसाज करो ताकि सब जगह वो बैठ जाए, एंड फिर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दो। 10 मिनट बाद ना वॉश कर लो, एंड पहले ही उसमें ऑब्वियसली आपको रिजल्ट उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नेचुरल है, धीरे धीरे काम करता है। आप इसको हर दिन यूज कर सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मैं भी हर दिन यूज करती हूँ। नेक्स्ट चीज जो मैं यूज करती हूँ एंड आप भी उसको यूज कर सकते हो, वो है ओट्स फेस पैक। बस ना ओट्स का पाउडर ले लो एंड उसमें पानी डालो, एंड उस फेस पैक को अपनी गर्दन में लगाओ, एंड 10-15 मिनट के लिए रहने दो, जब तक वो सूख नहीं जाता। तो आप हर दिन लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ओट्स ना केवल आपकी स्किन से गंदगी निकालेगा, बल्कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। नेक्स्ट रेमेडी भी मेरी फेवरेट है, जो मैं अपने गर्दन और अपने चेहरे में हर दिन लगाती हूँ, वो है नेचुरल एलोवेरा जेल। बस ना अच्छे से पहले फेस वॉश कर लो, एंड उस नेचुरल एलोवेरा जेल को अपनी गर्दन में लगाओ, चेहरे में भी लगा सकते हो, एंड फिर आप उसको जेल को सूखने दो, अपने आप सूख जाएगा 2 मिनट में। इसको आप हर दिन करो, मैं तो बोल रही हूँ रात को करना, लगाना एंड सो जाना, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तीनों रेमेडी मैंने ट्राई की है, तीनों बेस्ट है, जो भी पसंद आ रही है उसको ट्राई करो हर दिन, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर ट्राई कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी सुनने का मौका मिले, मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा कि ठीक है चलो आप ट्राई करते हो मेरी रेमेडीज। जाने से पहले लाइक का बटन दबा के जाना, एंड और वीडियोस आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।